दोस्तों नमस्कार। कल हमने एक गाय आपको दिखाई थी जो कि ताज़ा ब्याई हुई थी महीने वर्ष की, और उसको हल्का सा कंपन हो रहा था, खाना पीना बिल्कुल उसका बंद था। तो आप लोगों को पूरे सिम्टम्स प्रैक्टिकली दिखाए गए थे और पूछा गया था कि इसका क्या इलाज होना चाहिए। तो उस पर निर्मल मीणा जी ने हमें फर्स्ट कमेंट दिया है, और निर्मल मीणा जी ने ही इलाज बताया है कि CPM बी कॉम्प्लेक्स हम लगाएंगे, 20 ml मेगलोडाइन भी लगाएंगे, मॉक्सिल दे देंगे, ट्राइवेट दे देंगे, और न्यूरोबियन फोर्ट यहाँ पर इन्होंने 8 ml दिया है, और बोलस जो है वो SNLI दे दी है। चलिए, जनरल ट्रीटमेंट इन्होंने यहाँ पर किया है, अच्छी बात है। इसके बाद SDR डाया जी ने भी हमें प्यार भेजा है, और निर्मल मीणा जी ने पूछा है, सर भैंस पिटिया की आंखों में सूजन, आंखों में सुबह से सूजन आ जाती है और आंखों में से आंसू चल रहे हैं, तो उसका क्या इलाज करें, वीडियो बनाइए। चलिए, इस पर हम वीडियो बना के देंगे आपको। और हमारे रणवीर सिंध जी है, उन्होंने भी प्यार भेजा है, अभय कृष्ण जी, बिट्टू गुजर जी, इन सब ने प्यार भेजा है, और इधर प्रशांत चंदेला ने, दो तीन डिवर्मर एक साथ मिला करके डिवर्मिंग कर सकते हैं, ये वीडियो हम बना चुके हैं, आप देख भी चुके होंगे। RS ने भी हमें प्यार भेजा है, हमारे मनदीप सिंह जी ने लिखा है कि मेकोवेट एक्सल हम लगाएंगे 15 ml, बी कॉम्प्लेक्स CPM और माईफेक्स 250 ml चढ़ाएंगे, कीटोप्रोफेन 15 ml और बफखाइन पाउडर हम यहाँ पर देंगे। कुछ कुछ आप थोड़ा ठीक गए हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने बी कॉम्प्लेक्स CPM, मेलोक्सिकाम, माईफेक्स, रिंटोज अगर साथ में ऐड कर दी होती तो रिजल्ट वाइज बेटर मामला यहाँ हो सकता था मनदीप जी। इसके बाद नरवाइन टोनिक भी लगाते तो बहुत अच्छा रहता। हमारे वैभव साबले जी लिख रहे हैं, सर मेरी काऊ का टेम्परेचर बूटालैक्स देने के बाद भी टेम्परेचर नहीं कम हो रहा है, तो उसका इलाज क्या करें? बूटालैक्स देने के बावजूद भी अगर टेम्परेचर कम नहीं हुआ है, तो देखिए दूसरे बहुत से रीज़न है जिनकी तरफ जाना पड़ेगा। तो आप जल्द से जल्द अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें, वो चेक करेंगे कि दूसरे क्या क्या इसमें रीज़न्स हो सकते हैं, जांच की ज़रूरत पड़े तो जांच करवाएंगे। इसके बाद हमारे मनाब घोष जी हैं, ये लिखते हैं मॉक्सेल 3 ग्राम और CPM और बी कॉम्प्लेक्स 20 ml लगा रहे हैं, टोनोफोस्फोन 10 ml लगा रहे हैं, कीटोप्रोफेन 10 ml है, और नीलजान और ब्रोटोन, तो ये भी इन्होंने अच्छा किया है। चलिए, नीलजान से डिवॉर्मिंग करवा दी, ये ठीक था क्योंकि अब इतने टाइम हो गया है तो डिवॉर्मिंग करवानी तो ज़रूरी है, अब तक किसी ने डिवॉर्मिंग की बात नहीं की थी। और मॉक्सेल और ये भी ठीक है, कीटोप्रोफेन आपने लगाया, टोनो लगाया, ठीक है, काफ़ी हद तक आपका ट्रीटमेंट जो है सही है, लेकिन इसके साथ अगर आप ड्रिप ऐड करते, सलाइन वगैरह ऐड करते, रिंटोज थोड़ा बहुत, माईफेक्स तो अच्छा रहता। रिंटोज तो ज़रूरी था क्योंकि यहाँ कीटोसिस के सिम्टम नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद हमें जीतलाल कुमार जी ने भेजा है कि DC लगा देंगे, लेकिन क्या DC, क्या मात्रा इन्होंने नहीं भेजी है। CPM, MLML और बायोबूस्ट लगा देंगे हम, और फेंटास बोलस दे देंगे और लिवोटास दे देंगे। चलिए, कोई बात नहीं, नॉर्मल आपने ट्रीटमेंट यहाँ पर किया है, ठीक है। इसके बाद विक्की धीलौन जी ने लिखा है, सर मेरे अनुसार ये मिल्क फीवर की फर्स्ट स्टेज है, इसमें उपचार इंजेक्शन माईफेक्स और 200 ml हम सबकट लगा देंगे, IV 250 ml, 200 ml सबकट लगा रहे हैं ये, और डेक्सोना लगा रहे हैं 5 ml, और CPM भी यूज़ कर रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स टोनो, ओहो बहुत ज़्यादा लिख रहा है सर, मैं लिख दिया है, सर मैं SDP 2 ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरी हॉस्पिटल प्रैक्टिस चल रही है अभी, तो आप मुझे ज़्यादा पता नहीं है रोग के बारे में, मुझे यहाँ मिल्क फीवर की फर्स्ट स्टेज लग रही है। बहुत बढ़िया, आप नए हैं उसके बावजूद भी आप मेहनत कर रहे हैं, लगन बहुत अच्छी है आप में, तो ट्रेनिंग कर लें, उसके बाद कंप्लीट करने के बाद ये सीखना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद हमारे शुभम सुथार जी है, वो नर्वस किटोसिस की तरफ जा रहे हैं, और रिंटोस D5 के लिए कह रहे हैं मॉक्सेल और टोल्फिनेमिक एसिड, CPM भी कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही कहा आपने, यही स्टेज जो है वो यहाँ पर क्लियरली लग रही है, और साथ में इनडाइजेशन,
देखिए कीटोसिस में भी इंडाइजेशन होता ही है, आप सभी को पता ही है। तो यहाँ पर इसके साथ इंडाइजेशन का ट्रीटमेंट भी कीजिए। बबजोन पाउडर यहाँ पर लगाया दिया जा सकता है, एसएनएलआई बोलस दी जा सकती है। अगर आपके वहाँ नहीं मिल रही है तो बायोबूस्ट और रोमनटास, उन दोनों गोलियों को मिला करके अगर हम देते हैं तो बहुत ही बेटर रिजल्ट इसमें मिलता है। इसके बाद एसडीआर डायाजी ने पेनाकोर 3 ग्राम को जगह दी है, यानी डिवॉर्मिंग तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है इसमें। और माइफेक्स एक आईवी मतलब एक बोतल के लिए कह रहे हैं। एविल 15 ml, डाइक्लोमाइन 20 ml, ट्राइवेट 20 ml, वो सेफ 3 ग्राम। चलिए कुछ कुछ ठीक है, तो यहाँ पर पेट दर्द को मानते हुए इन्होंने डाइक्लोमाइन दिया है, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद आगे है हमारे अभिमन्यु शर्मा जी, इन्होंने डिवॉर्मिंग एल्बेंडाजोल से करवाने का निर्णय लिया है और डेक्स्ट्रोज 10% ये लगा रहे हैं, 1.5 लीटर। ट्राइवेट भी देंगे, साइनोकोबालामिन ब्यूटाफोस्फोन ये भी ये दे रहे हैं, मेलोक्सिकाम भी दे रहे हैं, बिकॉम्प्लेक्स सीपीएम, विटामिन ए, ये विटामिन ए वाला काम आपने यहाँ पर अच्छा किया, ये बहुत बढ़िया है। और ग्लूका बूस्ट भी कीटोसिस में बहुत अच्छा काम करती है, और मिनरल मिक्सर बाद में दे देंगे। तो फाइनली आपने कीटोसिस मानते हुए अच्छा ट्रीटमेंट लिखा है अभिमन्यु शर्मा जी ने। इसके बाद डॉक्टर आलोक कुमार जी हैं, डिवॉर्मिंग करवा रहे हैं नीलजान से, चलिए चल जाएगा। लेकिन नीलजान से जब भी डिवॉर्मिंग करवाएं, ये मान के चलें कि पशु को ठीक होने में 2 दिन लगेंगे। अगर क्विक रिजल्ट लेना है तो नीलजान की जगह आप फेंटास यूज़ कर लें तो उससे क्विक रिजल्ट मिल जाता है, नीलजान में थोड़ा सा लेट होता है। मॉक्सेल 3 ग्राम इन्होंने यूज़ किया है, किटोफ यूज़ किया है, बेलामेल यूज़ किया है, एसनलाई फोर्ट बोलस भी इन्होंने दिए। इसके बाद एल्कलोसिस एसिडोसिस के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि इनका ध्यान गया है इंडाइजेशन की तरफ कि एल्कलोसिस एसिडोसिस हो सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है। लेकिन जो कंपन यहाँ दिख रहा है, जो हिस्ट्री दिख रही है, उसके हिसाब से कीटोसिस के साथ अगर ये ट्रीटमेंट किया जाए तो बेटर रहेगा। दिग्दर्शन सिंह जी है, इन्होंने डिवॉर्मिंग फेंटास 3 से करवाई है, आरएल 2 लीटर, और 200 ml इन्होंने सीबीजी भी यूज़ किया है। मेग्लोडाइन 20 ml, बी कॉम्प्लेक्स सीपीएम 20 ml, न्यूरोकाइन ट्राइवेट, टोनो केटासोल, काफ़ी लंबा चौड़ा आपने लिख दिया, चलिए अच्छा है। लेटिफर अल्ट्रा यूज़ किया, इससे रिजल्ट बढ़ेगा। हमारे रविंदर सिंह जी ने भी इंडाइजेशन और एसिडोसिस ट्रीटमेंट किया है, एसएनएलआई बोलस डिवॉर्मिंग एल्बोमार से करवा दी है। लिव 52 दे दिया है, बायोब्लूम इन्होंने दे दिया है, और मीठा सोडा भी दे रहे हैं, अच्छी बात है। मॉक्सेल दे रहे हैं, किटो बहुत लंबा चौड़ा आपने भी बहुत लंबा चौड़ा खींच दिया, इतने में अगर थोड़ा बहुत अगर आप ड्रिप की तरफ ध्यान देते तो थोड़ा अच्छा रहता। रिजल्ट ताज़ा ब्याई हुई में देखिए, ताज़ा ब्याई हुई है, और अगर टेम्परेचर 102 या 101 से नीचे है तो उस कंडीशन में हमें कैल्शियम चढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, माइफेक्स की तरफ ध्यान देना चाहिए ऐसे केसेस में, जो कि यहाँ पर दिया गया था 200 ml, 250 ml माइफेक्स इसे दिया गया था, और साथ में रिंटोज और इसमें नरवाइन टॉनिक, रिंटोज में नरवाइन टॉनिक यहाँ मिलाए गए, जो कि बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और डिवॉर्मिंग फेंटास 3 से करवा करके और रोमन की पीएच को कंट्रोल करने के लिए बब जोन यहाँ पर दिया गया, और ऐसा एसएनएलआई यहाँ पर दी गई। दर्द के लिए मेलोनेक्स बिल्कुल सही था, एडवर्ट एच का इंजेक्शन लगाया गया। तो ये ट्रीटमेंट अगर यहाँ किया जाए तो बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, और आपने बहुत अच्छा यहाँ पर सभी ने लिखा, सभी को धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए केस के साथ।